नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ज्ञान सागर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको सफ़ेद दाग यानी ल्यूकोडर्मा के बारे में एक सामान्य जानकारी दी। यह क्यों होता है इसके कारण बताए और इसके टाइप आपको हमने बताए और एक आयुर्वेदिक दवाई के बारे में हमने आपको बताया। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, कुछ आपको सामान्य सलाह देंगे अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो, और साथ में घर पर आप आयुर्वेदिक दवाई कैसे बना सकते हैं उसकी जानकारी भी आपको देंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, सफ़ेद दाग की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको कुछ सलाह दी जाती है। तांबे के बर्तन में पानी पिए, लौकी के रस का इस्तेमाल करें, हरी पत्तेदार सब्जियों का आप अधिक से अधिक सेवन करें, नमक का सेवन न के बराबर आप करें, शरीर पर शैम्पू व साबुन का लगाना आप बंद कर दें या फिर कोई भी केमिकल जो है प्रोडक्ट है उनका इस्तेमाल आप नहीं करें, दूध दही डेयरी प्रोडक्ट्स नमक आदि का इस्तेमाल नहीं करें और खटाई वाली चीज़ों से आप दूर रहें। ये आपको सलाह दी जाती है। इसके अलावा आप करेले की सब्ज़ी का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोवेरा के रस का इस्तेमाल करें, हरड़ को लहसुन के रस में घिसकर दाग पर लगाना चाहिए, अखरोट का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें और बादाम का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो ये आपको एक साधारण सलाह दे रहे हैं हम। अब हम बताते हैं दोस्तों आपको, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक आयुर्वेदिक दवाई आती है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं ल्यूको स्किन के नाम से, पर डॉक्टर की सलाह एक बार आप ज़रूर ले लें। यह वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है, इसमें हम आपको एक सामान्य जानकारी देते हैं। ल्यूको स्किन अगर आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर पर भी इसके लिए दवाई, आयुर्वेदिक दवाई और क्रीम बना सकते हैं। तो कैसे बनानी है वह हम बताते हैं। अदरक का रस ले लें आप 30 ग्राम, बावची का रस आधा कर लें उससे 15 ग्राम ले लें, दोनों को मिलाकर भिगो लें। इसके बाद दोनों को थोड़ी देर रख दें, यह जब सूख जाए तो उसमें 50 ग्राम चीनी मिलाकर उसको पीस लें। इसकी एक चम्मच की फांकी ठंडे पानी के साथ एक बार रोज़ाना सुबह खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको लेनी है। दोस्तों, बावची का जो तेल होता है उसको आप दाग पर, जो सफ़ेद दाग हो रहे हैं उस पर भी लगा सकते हैं, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस तेल को लगाने पर फफोले या जलन हो तो वे रोगी इसका इस्तेमाल न करें, कई बार इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो अगर फफोले और जलन हो रही है बहुत ज़्यादा तो आप नहीं लगाएं। अगर आपको कभी अभी अभी सफ़ेद दाग हुए हैं, अभी शुरुआती दौर ही है सफ़ेद दाग का, तो सफ़ेद दाग 4 से 5 महीने के अंदर सफ़ेद दाग की यह अचूक दवा जो है इसका सेवन करें, इससे आपको ख़त्म हो जाएगी। पर कुछ परहेज रखने हैं दोस्तों आपको, खटाई, मांसाहारी भोजन, अधिक नमक, तेल, गुड़, मिर्च, इनका आप प्रयोग नहीं करें, इनसे परहेज करें। दोस्तों, इसके अलावा माणिक के रस 2 ग्राम ले लें और उसके अलावा बाकुची चूर्ण 5 ग्राम, इनको मिलाकर पीस लें और इसमें आप जो है थोड़ा सा गुलाब जल मिला लें। लेकिन इसमें ध्यान रखें, इस लेप को अच्छा सा अच्छी तरह से आप पेस्ट करके बना लें, इसको मिक्स कर लें और 3 दिन में दाग, ये जो दाग है इस पर लगाएं आप, डेली लगाएं, 3-4 दिन में जो दाग है उस पर फफोला उठ जाएगा और फफोला उठने के बाद इस दवाई का प्रयोग तो आप बंद कर दें और उस फफोले पर मक्खन या फिर नारियल का तेल लगा लें। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपके नई स्किन आ जाएगी और जो नई स्किन है वह एक सामान्य स्किन ही आएगी, मतलब वो जो सफ़ेद स्किन है वो आपकी चली जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ आपको आयुर्वेदिक उपाय हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, मतलब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे किसी का अगर भलाई होती है तो अच्छी बात है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।